स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में जो हमने शुरू किया था इंग्लिश का कोर्स, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया था कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। वहां पर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आज मैं आपके सामने जो नाउन है, फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मैं स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ कि आपको बेसिक नाउन क्या होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि नाउन के कितने टाइप होते हैं, क्या काम करता है इंग्लिश ग्रामर में। अभी फिलहाल ब्रीफ होगा, मतलब ऐसे समझो इंट्रो से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लेकिन डिटेल नहीं होगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी नाउन करवाऊंगा उसमें कोई भी एरर नहीं होगा, ये एरर फ्री वीडियो है। एरर की बाद में बात करेंगे जब हम इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे। एरर अभी इसलिए नहीं क्योंकि पहले तो आप एक काम करिए, इसमें आप नाउन पहचानना सीख जाइए कि नाउन कौन से टाइप का है, यहाँ पर काम क्या कर रहा है, एक बार वही पहचानना सीख जाइए। पहला तो यहाँ पर होगा आइडेंटिफिकेशन कि आप इसको नाउन को पहचानेंगे कैसे। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेक्चर वन कह सकते हो या फिर बेसिक लेक्चर टू कह सकते हो, वैसे इसको टू ही कह लो क्योंकि इससे पहले मैं ये करवा चुका हूँ, मैं मिस्टेक से मैंने यहाँ पर वन लिख दिया। ओके, नाउन की एक डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को पहले भी जो ये पिछले वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको करवाया भी था कि ये एक नेमिंग वर्ड है। इट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब किसी भी चीज का नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज को अगर आप नाम दे दो तो उसे एक नेमिंग, उसे एक आप नाउन कह सकते हैं। वैसे एक नाउन की जो डेफिनेशन होती है, इट इज अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग, इसको हम नाउन कहते हैं। इतनी लंबी डेफिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई वहां पर जाके सब्जेक्टिव टाइप का पेपर नहीं हो रहा है कि आप जाएंगे और वहां पर इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से अच्छे से डेफिनेशन याद करिए ताकि आपको ये चीजें रिलेट करने में आसानी हो जाए। ये एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड बोले तो किसी भी चीज का नाम हो सकता है। अब ये तो होगी नाउन की एक डेफिनेशन, एक नेमिंग वर्ड। अब नाउन इंग्लिश में कितने टाइप का होता है, हर एक टाइप होती है। देखिए जितने भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे हम उसके टाइप पढ़ेंगे, पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, पहले उनके टाइप करना बहुत जरूरी है। तो नाउन के कितने टाइप होते हैं, तो यहां पर मैंने नाउन के टाइप्स लिख रखे हैं। एक होता है प्रॉपर, आप इसको प्रॉपर नाउन कह लो या फिर प्रॉपर नेम कह लो, बात एक ही है। सेम एज गोज टू कॉमन, कॉमन नाउन कह लो या फिर कॉमन नेम कह लो, बात एक ही है। इसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि भी यहां ये चीज अलग है, ये चीज है, सेम टू सेम चीजें। सेम गोज टू कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन कह लो या फिर कलेक्टिव नेम कह लो, बात एक ही है। मटीरियल, मटीरियल नाउन कह लो या फिर मटीरियल नेम कह लो। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह लो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नेम कह लो। इतनी चीज क्लियर। तो ये पांच टाइप के नाउन होते हैं हमारे सामने इंग्लिश ग्रामर में, पांच ही टाइप के नाउन होते हैं। अब जरा एक एक करके इनको समझते हैं। प्रॉपर यानी इसको अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन का वैसे हिंदी में मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है संज्ञा। वैसे मैं हिंदी से करा इसलिए देता हूँ ताकि सामने वाले को इससे रिलेट करने में आसानी हो जाती है। बच्चा सोचता है कि यार ये चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं इसलिए इसको संज्ञा का नाम, संज्ञा इसलिए उसे याद हो जाती है। तो प्रॉपर का मतलब होता है किसी व्यक्तिवाचक का नाम होता है। ये जो होता है कॉमन, इसको हम कहते हैं जातिवाचक। जातिवाचक यानी एक पर एक ऐसी चीज जिसके उस टाइप की सभी चीजों को हम उसी नाम से पुकार सकते हैं, जातिवाचक। कलेक्टिव समूहवाचक, समूहवाचक। और मटेरियल होता है द्रववाचक, द्रववाचक, द्रववाचक। मुझे माफ करना ये अगर मैं इसमें इंग्लिश में भी बिल्कुल हालत खराब है। एब्स्ट्रैक्ट होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब नाम से जैसे क्लियर हो रहा है किसी व्यक्ति, पर्सनल, किसी पर्सन का एक प्रॉपर नेम हो गया, किसी जगह का एक प्रॉपर नेम हो गया। जातिवाचक किसी एक समूह को हम उसी नाम से पुकार सकते हैं, जैसे अध्यापक, तो अध्यापक को हर एक किसी, हर एक व्यक्ति जो पढ़ा रहा है उसको हम अध्यापक कह सकते हैं। समूह जैसे कोई, इसमें बहुत सारे नाउन होते हैं और बहुत सारे नाउन मिलकर एक समूह बनाते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। जैसे प्लेयर्स मिलकर टीम बना देते हैं, अभी कर रहा हूँ सारी चीजों के बारे में भी उनके एग्जाम्पल के थ्रू मैं जो करवा रहा हूँ। और मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज जिससे कोई चीज बनी हुई होती है, बेसिक मटेरियल होता है। अब भाववाचक जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इतनी चीज क्लियर होगी। अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं कि ये होते क्या है। आइए
प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन होता है जैसे अमित हो गया, मुंबई, बाइबल, ताजमहल एटसेट्रा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम अमित। अब एक क्लास में मानो यहां पर छह बच्चे बैठे हैं। अब इस व्यक्ति का नाम कुछ और है, मैं इसको कहूं हाँ भी पूजा, मैं इसको पूजा कहकर पुकारूं, तो ये व्यक्ति, मैंने कहा ये व्यक्ति आदमी है, मेल है, तो क्या ये मुझे रिप्लाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसका खुद का कोई नाम है, इसका खुद का कोई नाम है। अगर वो मैं इसको बोलूंगा ना, तब वो मुझे बताएगा, आंसर करेगा। तो ऐसे प्रॉपर नेम होता है किसी पर्सन का खुद का एक नाम, पर्सनल। मुंबई किसी जगह का एक नाम, मुंबई। बाइबल किसी पवित्र पुस्तक होगी, तो कोई बुक होती है, उस बुक का भी एक पर्टिकुलर नेम होता है। आप मैथ की एक बुक लेने जाते हैं, लेकिन मैथ की उस बुक में आप एक पर्टिकुलर राइटर का नाम बोलते हैं, उस राइटर ने उस बुक का कोई नाम रख रखा होता है, तो एक पर्टिकुलर बुक हो जाती है वहां पे। ऐसी बाइबल, ताजमहल एक पर्टिकुलर इमारत का नाम होता है, ये होता है ताजमहल। अब कॉमन नेम, कॉमन नाउन या कॉमन नेम कह लो, ये जो कॉमन होता है ना, ये प्रॉपर से ड्राइव हो गया आता है। देखो मैंने जैसे लिखा है ना, जैसे प्रॉपर से कॉमन, कॉमन से कलेक्टिव बनता है। देखते चला अमित, अब देखो अमित हो गया, रमेश हो गया, राम हो गया, ये सारे अगर एक क्लास में बैठे हैं, ये जो एक क्लास में बैठे हैं, अमित हो गया, राम हो गया, रमेश हो गया, अनुज हो गया, अमित, जो भी आप कह लो, तो इन सबको मैं क्या कह सकता हूँ? स्टूडेंट तो कह सकता हूँ। तो हर एक बच्चे को मैं यहाँ पे स्टूडेंट कह सकता हूँ। तो हर एक चीज को जो एक नाम से पुकारा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कॉमन नेम। ये इसका यानी हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। अब जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, तो इन सबको मैं एक ऐसा नाम क्या है जो इनको एक नाम से पुकार सकता हूं, वो है सिटी। बाइबल हो गया, श्रीमद् भगवत गीता हो गया, कुरान हो गया, तो ये जितनी भी पवित्र होली ग्रंथ हैं, इनको हम बुक्स तो कहते हैं ना, तो इनको बुक कहते हैं। ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो अगर मुझे इनको एक अलग से नाम से पुकारना जो इन सब के लिए एक नाम यूज होता है, तो वो क्या होता है? मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट का मतलब होता है इमारत। क्लियर? अब यहां पर आगे ना एटसेट्रा लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक, दो, तीन, चार ही नहीं है प्रॉपर नेम है, बहुत सारे हैं प्रॉपर नेम है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आगे ये लिमिट खत्म नहीं होती ना भाई, तो इसलिए एटसेट्रा लिखा है। तो कॉमन नेम का भी ऐसे ही एटसेट्रा है। क्लियर? कलेक्टिव में आ जाओ भाई। अब कलेक्टिव क्या है? वो कॉमन से ही बना होता है। जरा देखो, जरा स्टूडेंट, अगर तीन चार स्टूडेंट या दो स्टूडेंट मिलकर अपनी एक टीम बनाना चाहे तो बनाते ना, तो ये होती है टीम। जूरी होता है, या फिर वो बेंच कह सकते हैं हम इसको, जिसमें जजेस, जो बहुत सारे जज बैठकर एक बेंच का गठन करते हैं, एक जूरी बनाते हैं, तो उसको ये जूरी होता है, इसमें जज होते हैं। बीवी एक होता है, ट्रूप, ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? बीवी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स, या फिर हम कहेंगे समूह ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर लड़कियों के समूह को हम बीवी कहते हैं। ट्रूप ये सेना का हो गया अपना, तो यहां पर हो गया ये कलेक्टिव नाउन। फिर हम बात करते हैं मेटीरियल नाउन में। मेटीरियल नाउन जैसे जिससे कोई चीज बनी हुई होती है, जैसे आयरन यानी लोहा। लोहे से क्या चीजें बनी होती है, ये तो सबको पता है। गोल्ड, यहां से गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। सैंड, मिट्टी, मिल्क, वॉटर एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं, बेसिक चीज होती हैं, किसी चीज को निर्माण करती हैं, तो इनको मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो होनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, लव, प्यार, हेट, नफरत एटसेट्रा, इन चीज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप सो आप लोगों को ये चीजें अब तक क्लियर हो गई होंगी जो मैंने अब तक कराया है। और इस वीडियो को मैं दो पार्ट में रखने वाला हूँ, नाउन को, इसका ब्रीफ भी मैं दो पार्ट में रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी लेंथी वीडियो बन जाए कि बच्चा सो जाए, तो ऐसा रिस्क मैं नहीं उठाऊंगा, तो इसको दो पार्ट में रखेंगे। इतनी चीज क्लियर होने के बाद मैं इसको सारे को रफ कर रहा हूं मैं। ओके, अब इतनी चीज क्लियर होने के बाद अब एक काम क्या करना है, मैं आपको एक नाम दे रहा हूं। नाम क्या है, चलो छोड़ियो, वो बाद में करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। आप वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करने के बाद मैं आपको एक काम बता रहा हूं, वो आपको काम करना है। काम ये करना है कि इन पांचों टाइप में से जो भी काउंटेबल है उसके आगे लिख दीजिए। जैसे ये काउंटेबल है तो इसके आगे सी लिख दीजिए। अगर जो भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, और जो भी अनकाउंटेबल है उसके आगे यू सी लिख दीजिए। एक बार जरा जल्दी से ये काम करिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं।
मैंने क्या कहा, आप लोगों को क्या करना था, जो भी आपको टाइप का नाउन ऐसा दिखे जिसको आप गिन सकते हो उसके आगे काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन सकते उसके आगे क्या लिखना, अनकाउंटेबल। इतनी चीज थी। अब इससे मैं क्यों करा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में इस चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, और इस वीडियो में क्लियर ना कर पाऊं तो अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये चीज क्लियर हो जाएगी, फायदेमंद चीज है। जरा देखना, मैंने कहा कि जो भी टाइप का नाउन है आपको उसके आगे ये लिखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, जस्ट सिंपल यही देखना था। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि बच्चे ने इस प्रॉपर के आगे क्या लिखा है, उसने इसे काउंटेबल लिखा है। उसे इसने काउंटेबल इसलिए लिखा है क्योंकि अमित एक है, मुंबई एक है, इसको तो हम गिन पा रहे हैं ना, ये एक है। तो जरा समझना, अगर वो काउंटेबल है तो हम उसे प्लूरल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो काउंटेबल है तो हम उसे प्लूरल कर सकते हैं क्योंकि जिसको गिना जा सकता है तो उसके तो और भी तो होंगे। आओ जरा, अमित है यहाँ पे, तो क्या मैं इसको अमित कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाले अमित की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एपोस्ट्रोफी वाला अमित लग रहा है, ये वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल इसके टी के साथ एस कनेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या ये कर सकता हूँ? कभी आपने देखा हुआ अमित ऐसे किया हुआ? ऐसा कभी नहीं होता। तो ये अगर ये नहीं होता तो आप इसको काउंटेबल कैसे कर सकते हो? ये दुनिया में एक है, अपने आप में एक है, तो हम इसको काउंटेबल नहीं कहेंगे, हम इसको अनकाउंटेबल ही कहेंगे। समझना जब, काउंटेबल वो होता है जिसको हम गिन पा रहे हो, सिंपल सी बात है, काउंटेबल वो होता है जिसको हम गिन पा रहे हो, वो सिंपल सी चीज, आपको उसको काउंटेबल लिखनी है। दुनिया में एक है ऐसे करके इसको काउंटेबल वाले कैटेगरी में मत लेके जाना। यहां पर हटा देता हूं ये सारी चीजें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉमन नाउन, इसको देखो जरा, स्टूडेंट क्या गिन सकते हैं? बेशक गिन सकते हैं। बुक बेशक गिन सकते हैं, यानी ये जितने भी मॉन्यूमेंट, सिटीज, स्टूडेंट्स, इनके साथ अगर हम इनको एस लगा के देख पा रहे हैं और ये चीजें होती हैं, इनको गिन सकते हैं, इनका प्लूरल बन पा रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल। आओ भाई कलेक्टिव नाउन पे, कलेक्टिव नाउन पे क्या, टीम, क्या हम इसको गिन सकते हैं? बेशक गिन सकते हैं। टीम्स, अरे आईपीएल में कितनी टीम्स खेल रही हैं, जूरीज, बैंड्स, बीवाई, ये ट्रूप्स, ये सारी चीजें हम गिन सकते हैं, तो ये भी हमारे साथ काउंटेबल नाउन होते हैं। आओ जरा, क्या आयरन, गोल्ड, सैंड, मिल्क, वाटर, क्या आपको लगता है कि आप इनको गिन सकते हो? एक बार काम करिए, अगर आपको नहीं पता तो एक काम करिए, वाटर लीजिए और अपने हाथ में और उसको गिन के देखिए कितने मॉलिक्यूल आप उसके गिन पा रहे हो। ऐसे मिल्क का भी देख लीजिए, ऐसे मिट्टी का भी देख लीजिए, ऐसे गोल्ड का भी देख लीजिए, ये चीजें नहीं गिन सकते। इनका एक दूसरी चीज होती है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। इनका माप कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, इसको तोल सकते हैं, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते। देखो एक होता है वॉल्यूम, एक होता है नंबर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है नंबर। इनकी वॉल्यूम तो पॉसिबल है, जैसे 2 किलो लोहा, सैंड 2 किलो मिट्टी, मिल्क 2 लीटर, वाटर 3 लीटर, तो इनकी वॉल्यूम पॉसिबल है, बट इनका नंबर पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम इनको गिन नहीं पाते, इनको तोल पाते हैं, इनको माप पाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा नंबर वाली चीजें आनी चाहिए, नंबर वाली चीज नहीं है तो ये किस में जाएगा? यूसी, अनकाउंटेबल। सेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आते हैं। अभी मैंने क्या कहा, थोड़ी देर पहले कहा था कि ये एक ऐसी नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इसके आगे अनकाउंटेबल लिखने में दिक्कत आई होगी। कभी देखा है कि इसके अंदर, भैया तेरे अंदर 4 ऑनेस्टी है, उसके अंदर 5 ऑनेस्टी, कभी ऐसा करता हुआ देखा है? कभी नहीं होता यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ यहां पर? अभी ये क्यों करा रहा हूं, चीजें समझाऊंगा मैं, अभी बताऊंगा मैं ये चीजें क्यों कराई हैं। देखो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल कराने के पीछे रीजन ये है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने कहा ये सोंग, अब मुझे बताइए ये कौन से टाइप का नाउन है, सोंग कौन से टाइप का नाउन है? चलिए आपको टाइम मैंने दे दिया, आपने बताने की कोशिश करी होगी, और जिन्होंने बताने की कोशिश की बहुत अच्छी बात है, आप उससे सीखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो देखिए आपको करना क्या था, मुझे ये बस ये बताना था कि सोंग जो है वो कौन से टाइप का नाउन है। एक मिनट, कलर कहां से चेंज होगा, कलर, कौन से टाइप का नाउन है ये सोंग? सोंग को आपने देखना था क्या इसको काउंटेबल, जैसे मैं नजरिया दे रहा हूं ना वैसे आपको करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है क्या सोंग को हम गिन सकते नहीं गिन सकते। अगर इसको गिन पा रहे हैं तो उसके हिसाब से हम इनको चीजों में डमाटेंगे। अब देखो अगर मैंने क्यों बताया गिन पा रहे नहीं गिन पा रहे, सोंग क्या है? गाना, क्या गाने को हम देख सकते हैं?
देख सकते नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते, तो बच्चा कोशिश करेगा इसको एब्स्ट्रैक्ट में डालने की, लेकिन एक्चुअल में है नहीं एब्स्ट्रैक्ट में ये। तो यही रीजन है कि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल कराया गया है। अब जरा एक बात बताओ, क्या सॉन्ग को हम गिन सकते हैं? बेशक गिन सकते हैं। आप अपने फोन में देखें, आपके फोन में कितने गाने, 100 सॉन्ग, 1 सॉन्ग, 2 सॉन्ग, ऐसे होता है। तो ये होता है, तो यानी काउंटेबल है। काउंटेबल है तो हमारे पास कितने काउंटेबल वाली चीजें, एक तो ये कॉमन और एक ये कलेक्टिव। अब इन दो चीजों में ही जाएगा, क्योंकि प्रॉपर से इसका नाम कट चुका, अरे प्रॉपर से इसका नाम कट चुका, मटेरियल से इसका नाम कट चुका, एब्स्ट्रक्ट से नाम कट चुका। तो किसमें गया है? सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में ही तो डालने की कोशिश करनी है इसको, कि इनमें कहां से आएगा, कहां पर आएगा ये। अब बच्चा क्या करता है, सॉन्ग को तो इसके अंदर डाल देगा सर, हर सॉन्ग को तो सॉन्ग कहेंगे, तो आप इसको काम करिए, आप एक इसको कॉमन में डाल दीजिए। और मैं कहूँ सॉन्ग्स, तो बच्चा करेगा सॉन्ग्स सर बहुत सारे सॉन्ग, तो एक काम करिए आप इसको कलेक्टिव में डाल दीजिए। देखो, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग को हम एल्बम कहते हैं, एल्बम कहते हैं, तो एल्बम जाएगी कलेक्टिव में, लेकिन सॉन्ग हो गया, सॉन्ग्स हो गए, तो वो सारे के सारे कॉमन में जाएंगे, ऐसा मत कर देना। तो ये चीज मैंने इसलिए कराई है क्योंकि बच्चे को मुझे पता है ना कि वो उसके दिमाग में चलता गया है, वो यही कोशिश करेगा कि इसको कलेक्टिव में क्यों नहीं डाल सकते। क्योंकि कलेक्टिव में इसलिए नहीं डालेंगे, जब इसको कलेक्शन में लेके जाएंगे तो इसका एक अलग से नाम आता है, उसको कहते हैं एल्बम। इतनी चीज के लिए अगर मैं आप लोगों को एक और करूं कि भाई स्टार, इसके बारे में बताओ कि भाई ये कौन से टाइप का नाउन है, क्या हम गिन पा रहे हैं नहीं गिन पा रहे? अरे इसको गिन सकते हैं, स्टार को हम गिन सकते हैं। वो अलग बात है कि हम इसका एक नंबर नहीं बता पाते, नंबर इन द सेंस कि मैं कहूं आपको, आप बता दीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं या कितनी ओड संख्याएं हैं, ओड नंबर। तो आपने सम कहा तो 2, 4, 6, 8 और 10, 1, 2, 3, 4, 5 आपने फटदनी से गिन के बता दिया सर इसके अंदर 5 जो है वो सम संख्या है, इवन नंबर, इवन नंबर से आपने कहा ये इवन नंबर 5 है, आपने बता दिया। अब मैं कहूँ टोटल इवन नंबर या टोटल सम संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप नहीं बता पाओगे, वो काउंटलेस है, आप उसकी इन्फिनिटी है वो, आप उसका नंबर नहीं बता पाओगे। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज अगर मैंने कही, आपने फर्दनी से उसमें गिन के बता दिया कि हाँ इसमें से इतनी इवन नंबर, इसमें इतने ओड नंबर है, इसमें इतने सम संख्या है, इसमें इतनी विषम संख्या है। ऐसे ही इस तार के साथ है, सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल, ऋषि तारामंडल कैसे लिखा जाता है, माफ करना ये अगर नहीं लिखा जा रहा, तो सप्तऋषि तारामंडल जो होता है इसका नाम कैसे पड़ा? ये जो 7 तारे होते हैं, 7 तारे जो होते हैं वो इसी से बनता है कि इन्होंने एक समूह क्या किया, एक समूह के अंदर आने वाले तारों को गिनकर उसका एक नाम रख दिया सप्तऋषि तारामंडल। तो इससे पता चल रहा है कि स्टार और स्टार्स होते हैं, अगर होते हैं तो ये किस में जाएगा, काउंटेबल, इसमें कॉमन में और कलेक्टिव में, दो चीजों में जाएगा ये। तो किस में डालने की कोशिश करेंगे इसको, हम डालेंगे स्टार को इस कॉमन के अंदर। क्लियर, आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई कितने टाइप के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, हमने उसके टाइप्स भी देख लिए, टाइप देखने के बाद उसके कुछ एग्जांपल भी देख लिए, और एग्जांपल देखने के बाद हमने उसके कुछ एक टर्म्स भी देख लिए, हम पहचानेंगे कैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल करके ही हम उसके पहचानेंगे। क्लियर, एक काम मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको मुझे बताना है कि म्यूजिक कौन से टाइप का नाउन है। सेम गोज टू आप कौन सी ट्रिक अपनाएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के, उसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, मुझे याद रहेगा तो। चलिए अब एक्शन की बात करते हैं, टाइप हो गए, अब नाउन के कुछ ना कुछ तो एक्शन होंगे। एक्शन बोले तो इसको इंग्लिश ग्रामर में कोई ना कोई काम करने के लिए तो रखा गया है, कोई इंसान जो होता है उसको किसी फैक्ट्री में, किसी गवर्नमेंट सिस्टम में लगाया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो काम दिया जाता है, खाली बैठने के लिए दिया नहीं, काम नहीं दिया जाता, मतलब उसको जॉब नहीं दी जाती। नाउन है तो नाउन के लिए कुछ ना कुछ तो काम दिया गया होगा, काम डिफाइन होगा, वही काम हम देख रहे हैं। इसको 5 काम डिफाइन है, देखो 5 टाइप के होते हैं तो काम भी इसके 5 है। एक सब्जेक्ट बनने का 100% बच्चे ने सुन रखे हैं, ऑब्जेक्ट बनने का ये भी सुन रखे हैं, तीसरे ये 3 काम जो है बच्चे नहीं सुन रखे होते, कौन से, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, ये 3 काम बच्चे ने नहीं सुन रखे होते। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, हर एक का काम, हर एक काम को हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। यहां पर मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने रखे हैं, मोहन बोट ए बुक, और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने आपको वहां ब्रेक भी करवाया था। तो
शुरुआत कहां से करनी है, ब्रेक करने की, ब्रेक करने की शुरुआत करनी है वर्ब से। वर्ब कैसे पहचानेंगे, देखो वर्ब पहचानने का एक ऐसा वर्ड जो कार्य यानी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी तीन फॉर्म होती हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। वैसे तीन फॉर्म के मैंने तो फॉर्म आपको पांच करवाई थी पिछली वीडियो में, लेकिन उसको भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि उनके नाम क्या चलते हैं। तो वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा गो, वेंट, गोन, ये जो होती है वो वर्ब की फॉर्म होती है। इसको V1 कहते हैं, इसको V2 कहते हैं, इसको V3 कहते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक गोइंग भी होता है, मैंने कहा गोइंग को हम ऐसे ऐसे कहते हैं, V4 भी कहते हैं कई, और कई कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में ING के नाम से इसको जाना जाता है। फिर एक गोज भी होती है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था कि ये जो गोज होता है भाई साहब इसको हम यहीं रखते हैं इसके साथ, याद आ रहा हो तो, याद नहीं आ रहा तो यहां पे मेरे को रिकॉल करा रहा हूं। तो ये जो गो होता है वो जो होता है वो प्लूरल होता है, और ये गोज होता है ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, ये नाउन का अपोजिट चलता है। अगर इसके साथ SES कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो सिंगुलर, अरे SES कनेक्ट कर दिया जाए तो वो सिंगुलर बनाता है, और SES कनेक्ट कर दिया जाए नाउन के साथ तो वो प्लूरल बनाता है। तो नाउन और वर्ब का मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इंग्लिश ग्रामर की, तो वहां जाके आप उस वीडियो का एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए वापस चलते हैं। तो यहां पर देखें बाय, बोट, बोट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अभी मत जाना कि ये वर्ब की सेकंड है, थर्ड है, कैसे पहचानेंगे, टेंस कौन सा है, उसके ऊपर बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो इतना समझो कि ये वर्ब है, वर्ब होगी। अब मैंने बताया था कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, जो एक्शन को करने वाला होता है। ये एक्शन हो रहा है खरीदना, या एक्शन हुआ खरीदना, एक्शन खरीदना, इसको खरीदा किसने, मोहन ने। तो जो एक्शन को करेगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो जिसके ऊपर एक्शन होगा ये डूअर है, डूअर का मैंने आपको बताया था ये डूअर है, और जिसके ऊपर एक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, या फिर मैं कहूं जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो खरीदने का काम किया किसने, इस मोहन ने, हुआ किसके ऊपर, इस बुक के ऊपर, तो ये हो गया बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन है ये, नाउन हुआ, टाइप क्या हुआ, प्रॉपर हुआ, प्रॉपर, काम क्या कर रहा है यहां पे, सब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट कहते कहते हैं जो डूअर होता है, जो एक्शन को करने वाला होता है। सेम ये क्या है, बुक क्या है, बुक इंग्लिश ग्रामर में हम इसको नाउन कहेंगे। नाउन टाइप क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है भाई ऑब्जेक्ट बनने का। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन का रिसीव होता है, सेम। और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को आप पहचाने कैसे, एक काम करना है वर्ब से, वर्ब से आप एक रिप्लाई लेंगे व्हाट या फिर हुम का, व्हाट या हुम का रिप्लाई लेंगे। व्हाट जो होता है वो थिंग्स के लिए होगा, चीजों के लिए, और हुम किसके लिए लगता है, ह्यूमन के लिए। अभी जरा देख लो, मोहन बोट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो बुक, बुक क्या होगा आपका, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ए आर्टिकल होता है, ए आर्टिकल होता है। अगले पे आ जाओ जरा, अंजलि स्कोल्डेड ध्रुव, वर्ब क्या है इसके अंदर, काम क्या हो रहा है, स्कोल्ड यानी डांटने का, स्कोल्ड का मतलब तो डांटना, तो ये हो गया वर्ब। कर कौन रहा है, अंजलि, तो ये क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट, ये डूअर, इंग्लिश अंजलि को, अंजलि का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, नाउन, नाउन में भी किस टाइप का है, कौन से टाइप का, प्रॉपर। स्कोल्ड किया किसको, अंजलि स्कोल्डेड व्हाट करूं या हुम करूं, हुम करूंगा ऑब्वियसली, अंजलि स्कोल्डेड हुम, ध्रुव, ध्रुव, तो ये क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या हुआ ये, रिसीवर हुआ, ये रिसीवर हुआ। तो ये अगर इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे हैं ध्रुव का, तो ये नाउन है, और नाउन में भी कौन से टाइप का, प्रॉपर। इतनी चीज क्लियर हुई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। आई होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये जो बाकी जो तीन टाइप बच गए ना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, सारी चीजें हम आने वाली वीडियो के अंदर अभी करेंगे, ये नाउन के ब्रीफ में ही हम करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।